ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौबारा धीरा द्वारा देव स्थान गागरनिया बिलखेड़ी में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि गुर्जर समाज के लोकप्रिय व युवा वर्ग के आदर्श तथा देव स्थान मनासे के पंडा जी चरण सिंह गुर्जर थे। कार्यक्रम प्रारंभ में अतिथि द्वारा भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना की गई। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि चरण सिंह पंडा जी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास द्वारा क्षेत्र के पत्रकारों को शाल श्रीफल देकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये सारे मानता हूँ कि मेरा जीवन में पहली बार बिलखेड़ी और गागरनिया देवनाथ भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा कार्य वृक्षारोपण और तीसरा कार्य वो भी मेरे लिए खुशी का है कि पत्रकार महोदय का स्वागत। पत्रकार महोदय हमारे जीवन की सामाजिक कुरीति एवं बहुत सारी चीज़ जिनका शोषण होते हैं उनको उजागर करने का कार्य करते हैं, इसलिए यह भी सम्मानी है। और यहाँ उपस्थित सभी जन बंधु जो भगवान देवनारायण के भक्त हैं एवं उनके देवनारायण मंदिर पर खड़े उन सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन एवं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक कहावत होती है कि हम गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। इसके पीछे सिर्फ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी धर्म का विरोध करें या मुसलमान को गलत ठहराएं। इसके पीछे ये है कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के प्रति हम वफादार रहें, देश के प्रति जो देश का भला हो वो हम सोचें हमारे धर्म के प्रति। आज यहाँ पर उदय सिंह जी ने जो रामायण चालू करी निश्चित ही आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा विषय होगा, तथा सिर्फ रामायण एक सुनने के लिए नहीं उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए भी हमें दिशा मिलती है। दिशा निर्देश या भगवान राम जी ने जो भी जीवन की कल्पनाएं की एवं हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे बड़ी चीज़ रही है रामायण, जो हमें शिक्षा देती है। आज हम छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते रहते, पेट आदि पेट के लिए लड़ते झगड़ते रहते, लेकिन वहाँ हमें त्याग की शिक्षा देती। जो शिक्षा के बहुत बड़ा राज्य था अयोध्या, इतना बड़ा कि इस पूरी विशाल भूमि पर उनका साम्राज्य था, लेकिन वहाँ भी दो भाई हुए थे भरत और राम, जो उस इतने बड़े विशाल साम्राज्य को एक गेंद बनाकर खेलते रहे, लेकिन उन्होंने त्याग करा कि आप बड़े भाई हो आप बनोगे। और भगवान राम जब तक वनवास काट कर अयोध्या नहीं आए तब तक उन्होंने नीचे आसन रखा एवं भाई का सम्मान बनाए रखा। आज जो रामायण है उससे भी हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे माता पिता का सम्मान करें, हम धर्म के प्रति धर्म का सम्मान करें, हमारे इष्ट का सम्मान करें, हमारे गुरु का सम्मान करें एवं वह व्यक्ति जो हमारी समाज को स्थान दिलाने में एवं ऊंची व्यवस्था करने में तथा हमारे धर्म के प्रति हमारे हिंदू समाज के प्रति जो भी अच्छे काम करते हैं हम उनको बढ़ाएँ। हमारे ग्राम पंचायत